नमस्कार, मेरा नाम भूमिका है और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज के इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं ताज़ा खबरें, रोचक जानकारियां और देश दुनिया की महत्वपूर्ण अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, जिसमें हम जानेंगे उन घटनाओं के बारे में जो हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास सुर्खियों के साथ। बाढ़ का कहर, सीतामढ़ी की मर्मांतक स्थिति, अनाज और उम्मीद दोनों बहे। तिरंगे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता की विवादित हरकत, सिद्धार्थ मैया के जूतों को उतारने का अनोखा पल। बिहार में बाढ़ की तबाही, दरभंगा से सहरसा तक पानी का नया तांडव। हाथरस कांड का साक्षी, गाड़ियों के हॉर्न से भी डरता है वो गवाह। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 2000 करोड़ की कोकेन की भारी बरामदगी की गई। तिरुपति में धूमधाम, विवाद के बीच हर रोज 8 लाख लड्डू बनाने की तैयारी। करण जौहर की कहानी, आलिया को बिना पूछे भेजी जिगरा की कहानी, डायरेक्टर की नाराजगी। फ्लाइट में हंगामा, एयर होस्टेस का चौंकाने वाला खुलासा, पायलट और क्रू के रहस्यमयी किस्से आए सामने। कलयुग की औलाद का जौहर, पिता के अंतिम संस्कार से किया इनकार, पैसों के लालच में किया धोखा। रामलीला में फिल्मी ठुमके, आज की रात मजा हुस्न का लीजिए। वायरल वीडियो के बाद यूपी पुलिस का एक्शन। अब रुक करते हैं हरियाणा की खास खबरों की ओर। नायब सैनी सिंह का बयान, भाजपा तीसरी बार बनाएगी सरकार, राहुल गांधी की आलोचना। सोनीपत में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा आगामी चुनावों में तीसरी बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कर्ण देव कंबोज के लाडवा से चुनाव हारने के बयान पर कहा, इनको 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। सैनी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की हवा निकल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि गांधी के पास अब जनता का समर्थन नहीं है और उन्हें सड़कों पर रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने खुद लोगों को सड़कों पर लाने का काम किया है। सोनीपत में भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान के समर्थन में आयोजित रथ यात्रा के दौरान सैनी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और निखिल मदान के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। यात्रा के दौरान सैनी का स्वागत विभिन्न स्थानों पर किया गया। सैनी ने भी कहा कि संत राम रहीम की पैरोल देने का निर्णय न्यायालय का है और इस मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनका ये बयान भाजपा की चुनावी रणनीति को स्पष्ट करता है, जो आगामी चुनावों में जन समर्थन जुटाने का प्रयास कर रही है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल, हरियाणा चुनाव से पहले नया विवाद। डेरा सच्चा सौदा का मुखिया और दुष्कर्म के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आने के लिए तैयार हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने उसे 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पैरोल की मंजूरी दे दी। ये उसकी पिछले 9 महीनों में तीसरी अस्थायी रिहाई है और 4 साल पहले दोषी ठहराए जाने के बाद से 15वीं बार है जब वो जेल से बाहर आ रहा है। राम रहीम की रिहाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चिंता व्यक्त की। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि चुनाव के समय उसकी रिहाई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और ये चुनाव को प्रभावित कर सकता है। पैरोल के दौरान राम रहीम को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। उसे हरियाणा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि में भाग लेने से रोका गया है, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सोशल मीडिया पर। हरियाणा सरकार इस संबंध में जल्दी आदेश जारी कर सकती है और ये लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है। विनेश फोगाट का बड़ा खुलासा, प्रियंका गांधी ने दिया हौसला, देश छोड़ने का मन बना लिया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने एक अहम बयान दिया। प्रियंका गांधी के सामने जनता को संबोधित करते उन्होंने कहा कि एक समय वो देश छोड़ने का विचार कर रही थी। विनेश ने प्रियंका गांधी का धन्यवाद करते हुए बताया कि उन्होंने हमेशा महिला पहलवानों के लिए न्याय की लड़ाई में प्रेरणा दी है। विनेश ने प्रियंका को गदा भेंट करते हुए कहा कि वे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक में उनकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय प्रियंका को जाता है। जब उन्होंने प्रियंका से आंदोलन के दौरान मुलाकात की तो उस वक्त विनेश ने कहा कि उनके साथ हुए व्यवहार के कारण कुश्ती छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा, जिस तिरंगे के लिए हमने सब कुछ दिया वही अब हमारे कदमों में है। विनेश ने अपने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि वे अगले 5 वर्षों में जुलाना के मुद्दों पर काम करेंगे और जनता के समर्थन की अपेक्षा की।
प्रियंका गांधी ने विनेश को संघर्ष का महत्व समझाया, उन्हें प्रेरित किया कि कुश्ती को छोड़ना नहीं चाहिए। विनेश ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में कहा कि मैं राजनीति में नई हूं, लेकिन ना किसी के सामने झुकी हूं और ना झुकूंगी। इस चुनाव में जुलाना एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। इस प्रकार विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी के समर्थन से अपने राजनीतिक लक्ष्यों को स्पष्ट किया और जुलाना के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कलायत सीट पर टक्कर, विकास का मुद्दा छाया। कैथल जिले की कलायत सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कपिल मुनि की भूमि पर विकास मुख्य मुद्दा बनकर उभरा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। जाट बहुल इस सीट पर कई राजनीतिक पार्टियों ने जाट चेहरों पर दांव लगाया है, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। इस बार 5 जाट उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने यहां से हिसार के सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सारंग को टिकट दिया। वहीं भाजपा ने मौजूद विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा पर भरोसा जताया। INLD BSP गठबंधन ने रामपाल माजरा को और आम आदमी पार्टी आप ने अनुराग ढांडा को टिकट दिया है। JJP ASP के प्रीतम मेहरा भी चुनावी रेस में शामिल है। बागियों का प्रभाव, भाजपा से बागी नेता विनोद निर्मल और कांग्रेस से बागी अनीता ढुल भी मैदान में है। कमलेश ढांडा को बिना सिफारिश नौकरी मिलने का लाभ मिल सकता है, जबकि भाजपा का मजबूत संगठन भी उनकी ताकत को बढ़ा सकता है। रामपाल माजरा अपने पुराने रसूख का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अनुराग ढांडा नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने समीकरणों को जटिल बना दिया। अगर विनोद निर्मल को राजपूत और गैर जाट वोटों का समर्थन मिला तो वो भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कलायत में 2 लाख से अधिक मतदाता अपने विधायक का चयन करेंगे। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद JP के विवादास्पद बयान ने भी हलचल मचा रखी है। भले ही उन्होंने इसके लिए खेद जताया हो, लेकिन महिलाओं में नाराजगी बनी हुई है। बागी अनीता ढोले इस मुद्दे का लाभ उठाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही हैं। यदि आप और बागियों को वोटरों का समर्थन मिला तो भाजपा और कांग्रेस दोनों का खेल बिगड़ सकता है। कलायत शहर में सफाई और आवारा पशुओं की समस्या प्रमुख है, जबकि राजौंद क्षेत्र में टूटी सड़कें और गंदे पानी की निकासी भी गंभीर चिंता का विषय है। असंध से कैथल जाने वाली सड़क पिछले 2.5 साल से नहीं बनी, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, जो कमलेश ढांडा के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। तो ये था आज का हमारा बुलेटिन। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत के लिए जुटे हुए हैं। अब देखना यह है कि जनता का विश्वास आखिर कौन जीतता है। चुनावी माहौल में आपके समर्थन का महत्व सबसे ज़्यादा है। अपनी आवाज़ उठाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका मन पसंदीदा चैनल देश रोजाना, बेबाक सच। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।